Hi friends, I am CA Parikshit Bhade. I welcome all of you to this bank audit series. इस वीडियो में हम देखने वाले advances verification. Advances verification में हम देखने वाले advances against warehouse receipt. Warehouse receipt के against में जो loan दिए जाते हैं उसके documentation किस तरह से check करना चाहिए और सबसे पहले तो समझना है अपने को warehouse receipt loan क्या है. So let's begin the video. Warehouse receipts is a loan that is given against the pledge of your stock of agro commodities, meaning that ki jo farmer hai ya fir jo businessman hai wo kuch agro products leta hai aur agro products ko usko store karke kuch period ke baad process karne ke baad bechna hai ya fir market mein rates ke hisab se baad mein bechna hai. So he stores all this agro product in a warehouse. तो वेयर हाउस में स्टोर करने के बाद उसका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है. तो कुछ पीरियड के बाद अगर माल बेचना है उसको, सो ये दो पर्पज होते हैं मेन कि जिसमें आपने को वेयर हाउस के अगेंस्ट में लोन लेने की रिक्वायरमेंट हो जाती है. सो वेयर हाउस रिसिप्ट के अगेंस्ट में लोन लेने से दो फायदा है कि जो वर्किंग कैपिटल अपना अटका है उसका फंडिंग मिल जाता है और दूसरा जो मार्केट में जो फ्लक्चुएशन है वो अपने को अवॉइड करने के लिए वी कैन स्टोर द गुड्स एंड वी कैन टेक द फाइनेंस आल्सो अगेंस्ट दैट. नाउ ये लोन किस किस को मिलता है? तो लोन कैन बी गिवन फॉर इंडिविजुअल फार्मर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट ग्रुप्स, कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी. जनरली जो भी एग्रो प्रोडक्ट से डील करते हैं वो सबको ये लोन मिल सकता है. ये जो लोन है ये दो टाइप में मिलता है, एक तो डिमांड लोन है या फिर ओवरड्राफ्ट है. डिमांड लोन मीन्स एक बार किसी एक रिसिप्ट के अगेंस्ट में लोन दे दिया, वो रिसिप्ट क्लोज करने के बाद वो लोन अकाउंट क्लोज हो जाएंगे. जनरली कभी कभी एक लिमिट दी जाती है कि भाई 20 लाख रुपीज लिमिट, तो आपको उतना स्टॉक मेंटेन करना है, जब तक आपका वो स्टॉक मेंटेन है तब तक आपकी 20 लाख की लिमिट आपको अलाउेबल होंगी और आपको 20 लाख का जो रिक्वायरमेंट है उतना स्टॉक आपको रोटेट करके आप सेल भी कर सकते हो और उतना नया स्टॉक ऐड भी कर सकते हो. सो वेयर हाउस के अगेंस्ट में दोनों लोन दिए जाते हैं, एक कैश क्रेडिट भी और एक डिमांड लोन भी. जनरली मेजरली डिमांड लोन दिए जाते हैं. नाउ इसमें लोन चेक करते वक्त क्या क्या चीजें अपने को ध्यान में रखना है? सबसे पहले जो वेयर हाउस में आप लोन रख रहे हो, वेयर हाउस में जो आप स्टॉक रख रहे हो, वो वेयर हाउस सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का या फिर अप्रूव्ड वेयर हाउस होना चाहिए. सो अगर आपने स्टॉक कोई दूसरे प्राइवेट वेयर हाउस में रखा हुआ है विच इज नॉट अप्रूव्ड, तो उसके अगेंस्ट में आपको लोन नहीं मिलेगा. देन वेयर हाउस रिसिप्ट मतलब जो स्टॉक आपने रखा हुआ है, किस पार्टी ने रखा हुआ है, कितनी क्वांटिटी रखा हुआ है, उसका अप्रोक्स मार्केट वैल्यूएशन कितना चल रहा है, कितने पीरियड तक उसकी वैलिडिटी है और क्वालिटी क्या है, ये सब प्रिस्क्राइब करता है वेयर हाउस कीपर. सो वेयर हाउस कीपर क्वालिटी चेक करने के बाद ये सर्टिफिकेट देता है कि ये एक पर्टिकुलर बोरर के इतना इतना स्टॉक हमारे वेयर हाउस में पड़ा है. तो ये जो वेयर हाउस रिसिप्ट है इस पे आपको चेक करना है कि वैल्यूएशन अमाउंट कितनी. जनरली बैंक 50-60% तक मार्जिन देते हैं, मीनिंग दैट अगर आपका 10 लाख का स्टॉक है तो बैंक 5-6 लाख रुपए तक लोन देती है. तो आपको बींग एन ऑडिटर ये चेक करना जरूरी है कि जो लोन है और जो वेयर हाउस का वैल्यूएशन है, जो वेयर हाउस के स्टॉक का वैल्यूएशन है, वेदर इज अप्रोप्रिएट और नॉट, तो मार्जिन प्रॉपरली मेंटेन किया गया है नहीं किया गया है. यहाँ पे ये भी चेक करना जरूरी है कि प्रोडक्ट वाइज बैंक के मार्जिन अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल चने पे अलग मार्जिन होगा सपोज 50%, अगर गेहूं है तो उसको 40% मार्जिन होगा, राइस है तो उसको 60% मार्जिन होगा. तो आपको ये चेक करना है वेयर हाउस रिसिप्ट में कि प्रोडक्ट कौन सा है, उसका वैल्यूएशन कितना है और अपन ने जो लोन दिया वो जो मार्जिन है वो बैंक की एचओ पॉलिसी क्या है. देन वैलिडिटी ऑफ वेयर हाउस रिसिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप ऑडिट करते हो तो क्वालिटी पैरामीटर के हिसाब से पर्टिकुलर स्टॉक वेयर हाउस कीपर ये कहता है कि ये 3 महीने या 6 महीने तक वैलिड रहेगा. तो वैलिडिटी ऑफ वेयर हाउस रिसिप्ट इज ओनली फॉर 3 मंथ्स. 3 महीने के बाद अगर वो स्टॉक खराब हो जाता है तो
तो द वेयर हाउस कीपर इज नॉट लायबल फॉर दैट पर्टिकुलर रिसीट्स। सो बैंक को ये देखना है कि जो वैलिडिटी है वो प्रॉपर है नहीं। अगर वैलिडिटी खत्म हो गई है तो बैंक शुड आस्क टू द पार्टी दैट टेक अ एक्सटेंडेड वैलिडिटी ऑफ द वेयर हाउस रिसीट। तो उस केस में बोरोअर वेयर हाउस के पास रिसिप्ट वेयर हाउस के पास जाएगा, उसकी जो रिसिप्ट है उसका वैलिडिटी बढ़ा के लाएंगे। सिमिलरली अपने को इंश्योरेंस देखना है कि जो स्टॉक अपन ने रखा हुआ है, जो वेयर हाउस है उसका इंश्योरेंस है या नहीं है, वेदर द इंश्योरेंस डिटेल इज मेंशन ऑन वेयर हाउस रिसिप्ट और नॉट। अगर उस वेयर हाउस को अगर बैंक का ही लोन है तो वो इंश्योर्ड है नहीं है, आपको चेक करना है। सो बेसिकली आपको इतनी सारी सब चीजें चेक करना है वेयर हाउस रिसिप्ट लोन में। देन कमिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, कि स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपरली ली है नहीं है। यहाँ पे आपको लगने वाली है हाइपोथेसिस की स्टैम्प ड्यूटी, प्लेज की स्टैम्प ड्यूटी, तो प्लेज की स्टैम्प ड्यूटी ली है नहीं ली आपको देखना है। देन पार्शियल अगर विड्रॉल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने गेहूं के अगर 100 पोते रखे और उसका वैल्यूएशन सपोज 3 लाख रुपए थी और आपको कुछ 50 जो गोनी है वो विड्रॉ करना है, तो उतना प्रपोर्शनेट कैश बोरोअर ने बैंक अकाउंट में भरने को ना, उसके बाद बैंक उसको एक शीट बना के देंगे कि दैट मच स्टॉक कैन बी विड्रॉन, दैट शीट कैन बी गिवन टू द वेयर हाउस कीपर और वेयर हाउस उस रिसिप्ट पे मेंशन करेगा कि दिस स्टॉक इज विड्रॉन। तो कब भी अगर पार्शियल विड्रॉल दिख रहा है आपको वेयर हाउस रिसिप्ट में, तो आपको ये चेक करना जरूरी है कि उतना प्रपोर्शनेट पार्टी ने पैसा जमा किया है नहीं किया है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर बैंक पॉलिसी क्या है, प्रोसेसिंग चार्जेस कितने लेने चाहिए थे वो प्रॉपरली लिए नहीं लिए। देन इंस्पेक्शन करना है अपने को, इंस्पेक्शन जो है रेट वेरिएशन अगर हो रहा है तो रेट वेरिएशन देखना है आपको। रेट वेरिएशन हो रहा है तो बोरोवर से उतना मार्जिन आपको मेंटेन करने के लिए कैश अगर जमा करवाना है तो रिकवरी करना जरूरी है। देन मैक्सिमम टेन्योर कितना है लोन का वो भी देखना है। जनरली ये जो लोन्स होते हैं ये 6 to 1 year के लिए, 6 months to 1 year के लिए मैक्सिमम पीरियड होता है। देन अगर लिमिट सैंक्शन करिए पार्टी को तो उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पे है नहीं है, लोन के जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है प्रॉमिसरी नोट रिसीप्ट एग्रीमेंट लेटर ऑफ कंटिन्यूटी ये डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स पे है नहीं वो चेक करना है। और इसके अलावा अगर बैंक ने कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट है नहीं वो देखना है आपको। फ्रेंड्स ओवरऑल अगर मैं इन नटशेल बात करूँ आपसे कि वेयर हाउस रिसिप्ट में क्या चेक करना, तो वेयर हाउस रिसिप्ट है या नहीं है, गोडाउन अप्रूव्ड है या नहीं है वो चेक करना है, वैल्यूएशन चेक करना है कि वैल्यूएशन प्रॉपर है या नहीं है, मार्जिन प्रॉपर है क्या नहीं है वो चेक करना है आपको। उसके बाद में अगर पार्शियल विड्रॉवल है तो उतनी कैश जमा हो रही है नहीं जमा हो रही वो देखना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो इस नंबर पे या फिर इस ईमेल आईडी पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लीज फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।